नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। संसद में हंगामा जारी, फिर कुपित हुए आडवाणी। नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण गुरुवार को भी संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आज भी नोटबंदी पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में लगातार गतिरोध के चलते वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का आक्रोश फिर से फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा किए बिना यदि शुक्रवार को लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई तो संसद हार जाएगी और हम सबकी बहुत बदनामी होगी। आक्रोश जताते हुए आडवाणी ने कुछ अन्य दलों के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा कि मेरा मन तो कर रहा है कि इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा कि चर्चा जरूर करें और चर्चा कर शांति से सदन को स्थगित कर दें बिना किसी जीत हार के। संसद में जारी गतिरोध पर नाखुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सदन देखने आने वाले केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को आखिर वह क्या दिखाएंगे। यहाँ छात्र अनुशासन का पाठ पढ़ने आएंगे लेकिन यहाँ से वह अनुशासनहीनता सीखकर जाएंगे। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि संसद काम कहाँ कर रही है, क्या मुझे विद्यार्थियों को उन्हें यह दिखाना चाहिए कि संसद में किस तरह हंगामा होता है। नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने को लेकर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कुएं में इतने कंकाल निकलेंगे कि कांग्रेस के युवराज का सारा सियासी गुणा भाग बिगड़ जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों के किनारे शराब की बिक्री पर रोक लगाई। एक्सिस बैंक की नोएडा शाखा में 60 करोड़ के 20 फर्जी खाते। पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। चीन की डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष चेतावनी, संप्रभुता के साथ सौदेबाजी नहीं। इंग्लैंड की टीम को झटका, एंडरसन चेन्नई टेस्ट से बाहर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।